दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपकी YouTube चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे YouTube चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज है 7 सितंबर, अभी एम्स 9 से 7 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दो पल पल की अपडेट के लिए। आप लोग यहाँ पर देखोगे काफ़ी लंबे समय के बाद जो है एम्स नई दिल्ली ने जो है 9 से 7 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी की जो डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश कर दी है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, आप लोग देख सकते हो। अब की बार जो है टोटल 15 एम्स में जो है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होगी, जिसके लिए 1487 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये आप लोग देखिए बहुत ही कम वैकेंसी हो चुकी है, 50% वैकेंसी कम हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आपको बता दें एम्स 9 से 7 भर्ती 2024 दोस्तों एम्स 9 से 7 नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से 1487 पदों पर 2024 में जो है भर्ती निकाली गई है। आज है 7 सितंबर, वैकेंसी की जो डिटेल्स है यहाँ पे आ चुकी है। 9 से 7 की भर्ती है और 7 सितंबर को जो है इन्होंने टोटल ऑल 15 एम्स 9 से 7 वैकेंसी की जो डिटेल्स है पब्लिश कर दी है। आप लोग देखिए एम्स नई दिल्ली की होम पेज पर जाओगे, यानी कि एम्स नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाओगे, तो वहाँ पे नोटिस वाले पेज पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नोटिस वैकेंसी पोजीशन ऑफ ऑल एम्स 9 से 7, बैड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम हो चुकी है, 50% यहाँ पे वैकेंसी कम हो चुकी है, तो कट ऑफ जो है अब की बार ज़्यादा यहाँ पे जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, किस किस एम्स में कितनी वैकेंसी है, यू आर कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में टोटल कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में टोटल कितनी वैकेंसी है, A to Z सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में देने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल के अपडेट के लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट यहां पे दे रहा हूं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं एम्स नई दिल्ली की वेबसाइट पर। यहां पे देखिए वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है, एम्स एग्जाम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन नई दिल्ली 110608 नोटिस वैकेंसी पोजीशन ऑफ ऑल एम्स 9 से 7। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी जो आपकी नोटिस है या फिर ऑल एम्स वैकेंसीज की जो डिटेल्स जारी कर दी गई है, नोटिस वैकेंसी पोजीशन ऑफ ऑल एम्स 9 से 7, इस पर आप लोग क्लिक करके PDF जो है ओपन कर पाएंगे। एक ही पेज का PDF है और PDF में जो है सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो नोटिस ओपन हो चुकी है, डेट मेंशन है 7 सितंबर 2024, लोगो लगा हुआ है एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर नई दिल्ली, पिन कोड है दोस्तों 110608, नोटिस नंबर 121/2024, वैकेंसी पोजीशन ऑफ ऑल एम्स 9 से 7। अभी देखिए यहाँ पे फाइल नंबर दिया गया है 3489 9 से 7, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम दिया गया है, एम्स के डिटेल्स है, यू आर कैटेगरी में वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल की वैकेंसी, एससी की वैकेंसी, एसटी की वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, और आगे देखिए टोटल जीटी टोटल यहाँ पे कितनी वैकेंसी है एम्स में इसकी जानकारी है। और नीचे आप लोग देखिए टोटल 15 एम्स में जो है 9 से 7 के माध्यम से जो वैकेंसी की डिटेल्स है आ चुकी है। अभी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल एम्स 9 से 7 में जो है 1487 वैकेंसी, यानी कि 1487 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। इतनी वैकेंसी अब की बार जो है एम्स 9 से 7 के माध्यम से भरी जाएगी, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में जो है टोटल 510 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 432 वैकेंसी है, एससी के लिए 223 वैकेंसी है, एसटी के लिए 101 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 221 वैकेंसी है। टोटल जो है 1487 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं एम्स भटिंडा के लिए, तो एम्स भटिंडा में दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 0 वैकेंसी है, एसटी के लिए 0 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल एम्स भटिंडा में जो है नर्सिंग ऑफिसर 9 से 7 के माध्यम से 16 ही वैकेंसी भरी जाएंगी अब की बार 2024 में, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2 एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में जो है यूआर कैटेगरी में टोटल 31 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 66 वैकेंसी है और एससी के लिए 7 वैकेंसी है और एसटी के लिए 4 वैकेंसी है और 9 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 117 वैकेंसी एम्स भुवनेश्वर में है। नंबर 3 एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर में एक ही वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में और एक ही वैकेंसी है ओबीसी एनसीएल में और 0 वैकेंसी एसटी में है और
जीरो वैकेंसी EWS में है, बस दो ही वैकेंसी है एम्स बिलासपुर में, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एम्स देवघर में जो है टोटल नंबर 4 एम्स देवघर में टोटल यूआर कैटेगरी में 25 वैकेंसी है, और ओबीसी एनसीएल में 214 वैकेंसी है, एससी के लिए 20 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है और EWS के लिए 10 वैकेंसी, टोटल जो है एम्स देवघर में 72 वैकेंसी है। अब आगे देखिए, आगे नंबर 5 एम्स गोरखपुर, बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए एम्स गोरखपुर में 31 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 30 वैकेंसी, एससी के लिए 15 वैकेंसी, एसटी के लिए 8 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी, टोटल 93 वैकेंसी एम्स गोरखपुर में है, जो कि एक अच्छी टाइप की वैकेंसी है इसके अपेक्षा अगर हम बात करते हैं। एम्स गुवाहाटी नंबर सिक्स एम्स गुवाहाटी में जो है 39 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, 28 वैकेंसी है ओबीसी में और 15 वैकेंसी है एससी के लिए, 8 वैकेंसी एसटी के लिए और 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 100 वैकेंसी है एम्स गुवाहाटी में। आगे नंबर 7 एम्स जोधपुर में जो है 6 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, 20 वैकेंसी ओबीसी में है और 18 वैकेंसी है एससी के लिए और 9 वैकेंसी है एसटी के लिए और 61 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एम्स जोधपुर में ईडब्ल्यूएस के लिए है, आप लोग नोट कर सकते हो, टोटल 114 वैकेंसी है एम्स जोधपुर में। नंबर 8 एम्स कल्याणी की बात करते हैं, तो एम्स कल्याणी में जो है 9 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है, 12 वैकेंसी है ओबीसी एनसीएल में और तीन वैकेंसी है एससी के लिए और 2 वैकेंसी एसटी के लिए और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 28 वैकेंसी है एम्स कल्याणी में। एम्स मंगलागिरी में जो है 16 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है, 32 वैकेंसी है ओबीसी एनसीएल में और 15 वैकेंसी है एससी के लिए और 8 वैकेंसी एसटी के लिए, 43 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 114 वैकेंसी है एम्स मंगलागिरी में। और नंबर 10 एम्स नागपुर में 24 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी से ज़्यादा ओबीसी में अब की बार वैकेंसी खाली है, जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की। एम्स नागपुर में जो है यूआर कैटेगरी में 24 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल में 25 वैकेंसी और एससी के लिए 13 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी, टोटल 74 वैकेंसी एम्स नागपुर में है। एम्स रायबरेली बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब की बार उत्तर प्रदेश में वैकेंसी काफ़ी अच्छा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 93 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के ही एम्स रायबरेली में जो है 160 वैकेंसी है, सबसे अच्छी वैकेंसी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश एम्स रायबरेली में है। इसके अलावा भी अगर देखोगे तो एम्स पटना में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, एम्स पटना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी है और फिर जो है एम्स रायबरेली में है, तो एम्स रायबरेली में यूआर कैटेगरी में 89 वैकेंसी है, 27 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल में है और 26 वैकेंसी एससी के लिए, 12 वैकेंसी एसटी के लिए, 6 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 160 वैकेंसी एम्स रायबरेली में नर्सिंग ऑफिसर की है। नंबर 12 एम्स नई दिल्ली में जो है 58 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, 39 वैकेंसियाँ हैं ओबीसी एनसीएल के लिए, 15 वैकेंसी एससी के लिए और हाँ और 5 वैकेंसी एसटी के लिए और 13 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 130 वैकेंसी एम्स नई दिल्ली में है। एम्स पटना में ज़्यादा वैकेंसी है, एम्स पटना में जो है 92 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए, 61 वैकेंसी है ओबीसी एनसीएल के लिए और 51 वैकेंसी है एससी के लिए और 18 वैकेंसी एसटी के लिए और 24 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 246 वैकेंसी है एम्स पटना में, एम्स पटना में जो है 246 वैकेंसी है। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में जो है 63 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है, 69 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए है, 20 वैकेंसी एससी के लिए है और एसटी के लिए 18 वैकेंसी है और 19 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल यहां पे 189 वैकेंसी एम्स ऋषिकेश में है। इसके अलावा नंबर 15 लास्ट में देखिए, एम्स विजयपुर जम्मू में जो है 15 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, 5 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए, 5 वैकेंसी एससी के लिए, 3 वैकेंसी एसटी के लिए और 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 32 वैकेंसी एम्स विजयपुर जम्मू में है। अब टोटल देखिए, टोटल 15 एम्स में जो है यूआर कैटेगरी में 510 वैकेंसी, टोटल 15 एम्स में जो है ओबीसी एनसीए के लिए 432 वैकेंसी, टोटल 15 एम्स में जो है एससी के लिए 223 वैकेंसी, एसटी के लिए 101 वैकेंसी और 221 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल एम्स नॉर्थ 7 में जो है अब की बार नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 1487 है। मैंने आपको A to Z सारी जानकारी वैकेंसी के डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो, धन्यवाद।